हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इंदौर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हम एक वॉरियर बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, इसमें आप सारे टॉपिक्स को देखेंगे और इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड है, जो कि आपको 21 अप्रैल को है, NDA और CDS। आई होप आप सारे लेक्चर्स को देखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के देखेंगे और इसके नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि नोट्स जो है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम बहुत कम ड्यूरेशन में, आपको ज़्यादा टाइम करना है, आपको ज़्यादा उसको इफ़िशेंसी लानी है, तो आपको नोट्स बनाने होंगे, और वो भी शॉर्ट नोट्स, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो ग्रेविटेशन और ह्यूमन आई से रिलेटेड होगा, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। तो जब भी कोई एप्पल गिरता है तो क्या होता है? जनरली मैं आपको एप्पल की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो बेसिकली अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि भाई अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, वो एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट कर रहा होता है। कहने का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जिसका मास, जिसका सारी चीज़, अब देखेंगे अर्थ के केस में अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो मास है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एप्पल। हेंस जो आपकी ग्रेविटी वो एप्पल को खींच लेती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप में भैया जो एप्पल है वो दोनों जगह पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब बोथ बोथ अर्थ एंड द एप्पल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि दोनों चीजें अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है भाई, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। अब देखो भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बेसिकली आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, ठीक है। इसको दिया किसने? तो इसको न्यूटन ने दिया, इसीलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो ऑब्जेक्ट के मास के। हमने क्या ले लिया? दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक का मास ले लिया m1, x का मास ले लिया 2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r ले ली। तो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। हमने दोनों को कंबाइन किया तो ये हो गया m1 m2 और अपॉन में r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसका नाम है g अपॉन में r स्क्वायर। तो भाई जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है g, और g कुछ नहीं है, ये g आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू ऑफ जो जी है वो कहाँ चेंज होती है? भाई ये चेंज ही नहीं होती, इसीलिए तो हम इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कैसे एग्जामिनर इसको ट्विस्ट करेगा। अभी तो बहुत आसान लग रहा है कि क्या आप बता रहे हो सर, ये तो हमको बचपन से पता है, 9th क्लास से पता है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन ट्विस्ट होता है ना, तो आपको समझ में आया कि एग्जामिनर आपसे कैसे बेसिक क्वेश्चन में खेलता है वो। ठीक है, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, अभी बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r². वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इतनी होती है, देन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ जुपिटर। अब अगेन इस टाइप के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मात खा जाते हैं। अब आपको पता है कि जो जी है वो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट तो हर जगह कांस्टेंट होगा ना भैया, तो उसकी वैल्यू सेम होगी 6.67 × 10⁻¹¹. ठीक है, याद रखना है आपको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल फॉर हैवी बॉडीज, मीडियम साइज बॉडीज और स्मॉल साइज बॉडीज। तो इसका ऑप्शन डी है, बॉडीज ऑफ एनी साइजेस, कोई सी भी साइजेस के बॉडी जो आपके ऑब्जेक्ट में होते हैं। बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी, जो भी मास है, आपको मैटर की डेफिनेशन पता होगी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, उसको आप मैटर बोलते हो। तो यहाँ पर जिसका मास होगा वो किसी न किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा। जब दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा तो उस पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होगा, तो सारी बॉडी पे ही आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है। ठीक है, किसने दिया भैया यूनिवर्सल? न्यूटन ने दिया, इसीलिए हम इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ भैया, ऑल बॉडीज रिपेल ईच अदर इन यूनिवर्स, और अर्थ डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8.9 होता है, और ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। तो भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन है, आपको जेनरिक स्टेटमेंट पे सही, जो भी जेनरिक स्टेटमेंट होता है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि आपको भाई एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं,
तो आप जरूरी नहीं कि आपको सभी चीज का नॉलेज हो, आप जेनरिक स्टेटमेंट देख के जो एग्जामिनर ने ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑल बॉडीज रिपेल, नहीं भैया, और अर्थ मैग्नेट नहीं करता भाई, बहुत सबसे बड़ा अर्थ मैग्नेट है। एक्सेलेशन कितना होता है 9.8 है, तो तीनों गलत है, आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर इन स्पेस, हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ, वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑफ ऑन द अर्थ एंड इज ग्रेटर ऑन द मून बिकॉज इट हैज स्मॉलर डायमीटर। तो भाई हम यहाँ पर छोटे जी की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है आपका भैया स्मॉल जी, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पढ़ रखी तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम हाइट से जाते हैं, जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं, जो जी की वैल्यू छोटे जी स्मॉल जी जो कि आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो चेंज होता है, तो इट वेरीज विथ लैटिट्यूड ऑन दी अर्थ। ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछ रहा है भैया, और उसमें दोनों ऑब्जेक्ट की मास कितना है, तो हमको पता है एफ इक्वल्स टू एम वन, जो एफ होता है वो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, जी होता है 6.673 10 टू द पावर माइनस 11, एम वन एम टू कितना है 1 kg × 1 kg और डिस्टेंस कितना है 1, तो सब कैंसिल होकर वही आंसर आ जाएगा जो कि आपका है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू जी। आगे बढ़ते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, तो अगेन हमारा पुराना फॉर्मूला लेंगे, जो हमारा एफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, तो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डबल कर दी, तो इसको आर ने लिखते हुए हमने 2r² कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये 1/4 टाइम्स। ठीक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, अब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो डिपेंड करता है आपका एक रिलेशन होता है W इक्वल्स टू एम इंटू जी, तो जी तो आपका ग्रेविटी हो गया जिसको आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं जो कि बहुत ही बेसिक बात है, 9.8 हमको पता है, और जो हमारा एम है वो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वेट किस पे, आप इसको हमेशा इस रिलेशन को याद रखेंगे। ठीक है वेट और मास में क्या होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है लेकिन वेट जो चेंज होता जाता है जैसे कि जैसा प्लेनेट चेंज कर, फॉर एग्जांपल मैं अगर अर्थ की बात करूँ तो अर्थ में आपका मास कुछ और होगा, मून पे बात करें तो आपका वेट अलग होगा। ठीक है लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई आगे बढ़ते, अ हैवी स्टोन फॉल फास्टर देन अ लाइट स्टोन लोअर देन इज लाइट स्टोन विथ सेम एक्सेलेरेशन इज लाइट स्टोन, नन ऑफ दिस। एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को आप नीचे गिरा रहे हो तो नीचे वो सेम एक्सेलेरेशन से गिरेंगे, सेम एक्सेलेरेशन से गिर रहे होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास एंड वेट। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेंगे तो उनका मास वेट कितना भी हो, कोई भारी हल्का कोई मतलब नहीं, वो सेम एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेंगे, तो विथ सेम एक्सेलेरेशन एज लाइट स्टोन। ठीक है भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 500 ग्राम एंड 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर ड्रॉप्ड नियर द अर्थ सरफेस, लेट द एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड बी इज ए ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा भैया, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे, अब भी जस्ट डिस्कस कर, तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसी चीजों को याद रखें, उनका एक्सेलेरेशन सेम होता है। ठीक है अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, भैया अभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, बेसिकली आप बॉडी को फेंक रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट्स अप्रोक्सीमेटली, तो पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी किस पर डिपेंड करता है, तो भाई हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है v² - u² = 2gh। ठीक है अब जब भी आपको पता होगा कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है
तो इस पॉइंट पे उसका वी जो होता है जीरो हो जाता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, वी जीरो हो जाएगा। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो जो जी हो जाएगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ये वी को रखेंगे हम जीरो, माइनस यू स्क्वायर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 हो जाएगी आपकी। और आपका ये क्या है 2, जी कितना है 9.8 और एच कितना है, एच तो निकालना ही है। ठीक है, और ये 8 भी कैसा आएगा, माइनस में 9.8, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अगेंस्ट काम कर रही है। ठीक है, अगेंस्ट काम कर रही है, तो ये माइनस 20 अपॉन में माइनस 2 इंटू 9.8 इक्वल्स टू एच हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब सब कैलकुलेट करोगे लगभग 10 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप इसको अगर जी को 10 मान लेते, ठीक है, तो 10 टू 20 तो ऑलमोस्ट 20 आपका जो इसका मैक्सिमम हाइट होगा 20 होगा। ठीक है, टू आयरन एंड वुडन बॉल्स आइडेंटिकल इन द साइज आर रिलीज फ्रॉम, सेम क्वेश्चन है कि भाई जब भी हम एक बहुत बड़ी बॉल को, आयरन बॉल को और एक छोटी सी चीज को डाल रहे हैं, तो सेम एग्जैक्टली इक्वल टाइम टेकन, ये देखो थोड़ा सा चेंज किया है एग्जामिनर ने क्वेश्चन और आप थोड़ा सा चेंज हुआ है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको ये याद रखनी है, आपके नोट्स में डाल लो, आप आपके मार्जिन पे लिख लो कि भाई टाइम भी सेम लगता है, एक्सेलेरेशन भी सेम होता है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके दिमाग में एटलीस्ट सारी चीज़ें क्लियर होगी कि भाई क्या चीज़ें सेम रहती क्या चीज़ें सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो भाई टाइम भी एग्जैक्टली सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। द फोकल लेंथ ऑफ आई इज, अब भैया आई जो हमारा आई चैप्टर है वो आ गया है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से डिसीज वाले क्वेश्चन जो भी है वो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर आपने देखा हो, या तो फिर आपके जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपका रिफ्रैक्शन से क्या क्या फिनोमेना होते हैं, कौन सी चीज़ें किससे होती है, डिस्पर्शन क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन आपने देखे होंगे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय, तो आप सभी ने देखा होगा कि आयरिस अलग होती है, कॉर्निया आपकी आउटर लेयर होती है, ऑप्टिकल नर्व जो हमारी सारी चीज़ें सेंड करती है। ठीक है, सिलेरी मसल जो है वो आपकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है बेसिकली, ये वैसे आंखों का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सिलेरी मसल्स होती है जो आपकी फोकल लेंथ को कंट्रोल कर रखी होती है। ठीक है, वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म द लीस्ट डेविएटेड कलर इज, तो देखो भाई ग्लास प्रिज्म में जब भी आप वाइट लाइट पास कराते हैं तो वो 7 अलग अलग कलर में होती है, जिसको आप विबग्योर से बोलते हो। ठीक है, ऐसा विबग्योर से आप उसको रिमेम्बर करते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, वो पूछ रहा है लीस्ट डेविएटेड कौन सी है, तो सबसे कम डेविएटेड कौन सी है, रेड लाइट है, सबसे ज़्यादा डेविएटेड कौन सी है, वॉयलेट लाइट है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, हाँ भाई अब देखो ये चारों फिनोमिना मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, जो अपन ने भी पढ़ा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ वाइट लाइट जब विबग्योर में टूटती है, 7 कलर्स में टूटती है, तो आप उसको बोलते हो डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ब्लू कलर ऑफ स्काई है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल अलग फिनोमेना है, जिसमें लाइट जो अपना पाथ चेंज करती है ड्यू टू स्पीड, चेंज इन द स्पीड, ठीक है, और अपने सेम मीडियम में होती है, ये भी चीज़ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम होता है, ठीक है, तो ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ कैन करेक्टेड, तो भाई कोई भी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस लगाता है वो कौन सा डिसीज से करता है, तो बेसिकली जो यंगस्टर जैसे मुझे जो डिसीज है वो मायोपिया है, और जो मुझे लेंस करेक्ट करेगी, जो मेरे डिसीज को करेक्ट करेगी, उसका नाम है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव बेसिकली डिसीज जो होते हैं, मैं आपको डिसीज शॉर्ट में बताया था, एक होता है मायोपिया, इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस क्यों, क्योंकि हम पास की चीज़ें सारी क्लियर देख सकते हैं। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस से,
एक और होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, जिसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, लॉन्ग साइटेडनेस। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये एज के साथ होता है, वेयर पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जनरली एजड लोगों को होता है जो पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें दोनों ही नहीं देख पाते, इसलिए आपने स्कूल में आपकी सोशल वाली जो टीचर होती है उनका चश्मा आप देखते हैं कि ऊपर से वैसे देखते हैं, ठीक है, वो बायफोकल लेंस होता है, जिससे आप प्रेस बायोपिया जो सही करते हैं। फिर एक होता है एस्टिगमेटिज्म, ये एक हेरिडिटरी डिसीज होता है बेसिकली, जिसमें जो पर्सन है, जो डिसीज पर्सन है, ही इज़ नॉट एबल टू सी पैरेलल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को देख नहीं पाता है, एंड द डिसीज इज नोन एज एस्टिगमेटिज्म। और इसको हम सही कैसे करते हो, तो एक सिलेंड्रिकल लेंस होती है इस डिसीज को सही करने के लिए। ठीक है, तो चारों डिसीज अपन ने कवर कर लिए। फोकल लेंथ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंसेज विथ रिलैक्स्ड आई, ये जो टर्म है ना ये पूरा चेंज कर देता है। रिलैक्स आई का जो है फोकल लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर, जनरली बच्चे को ये ला के जाएंगे जो कि ये नियर बाय साइटेडनेस होता है, जो नियर साइट का, जो पास पॉइंट का होता है। कोई भी इंसान कितनी पास ऑब्जेक्ट साफ सुथरा देख सकता है, क्लियर देख सकता है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, इसको आप एकदम टॉप पे लिखेंगे आपकी नोटबुक पे। अब जो भी अपन ने टेस्ट लगाया आज, इसको आप हमारे ऐप पे, जो मैं नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे उसको कर सकते हैं, या इस कोड को आप स्कैन भी कर सकते हैं। आपके पास पूरा टेस्ट जो आपने प्रीवियस क्लास में अपन ने लेक्चर्स देखे और इस क्लास के आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आप मैनेज कर पाओगे, आप देख पाएंगे कि हर क्वेश्चन को आपको कितना टाइम लग रहा है, ये ऐप पे आपको सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप भूले नहीं और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इस टाइप से आपको और कंटेंट मिलते जाएगा हमारी तरफ से। सबसे खास बात है कि आप नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।